आइए जानते हैं बजरंग दल के बारे में कुछ खास बातें। बजरंग दल संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद की कड़ी का एक युवा चेहरा माना जाता है। इस दल की शुरुआत 1 अक्टूबर 1984 में सबसे पहले भारत के उत्तर प्रदेश में शोभा यात्रा के रूप में हुई थी। इस शोभा यात्रा को राम जानकी रथ यात्रा के नाम से जाना जाता था, जिसका मकसद केवल लोगों को हिंदुत्व के बारे में बताना था। धीरे धीरे इस यात्रा से युवा और साधु संत जुड़ गए और ये गुट बजरंग दल में तब्दील हो गया। इसके बाद इस दल का विस्तार पूरे भारत में हो गया। इस दल के दावे के मुताबिक उसके दल में 13 लाख सदस्य हैं। इन सदस्यों में 8,50,000 केवल कार्यकर्ता हैं। इस दल का मुख्य एजेंडा देश में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करता है। बजरंग दल का सूत्र वाक्य सेवा, सुरक्षा और संस्कृति है। इस दल के कुछ लोगों का उग्र रूप भी इस छवि को मजबूत करता है और इसी कारण से इस दल के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई है।